की रिको एरिया के अंदर क्रिकेट फैक्ट्री में दीवार गिरने से दो मजदूर कार्यकर्ते दब गए, जिनको मौके पहुंचे जहां पे मजदूरों को फैक्ट्री वाले के द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक लेडीज मरकज हॉस्पिटल गया कर दिया गया। पुलिस द्वारा रिपोर्ट देने पर फैक्ट्री वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच है। मैं ओम प्रकाश सुंद्रीवाल निवासी सिंहनगर सोनौंदरी है। जो घटना हुई वो फैक्ट्री मालिक की, क्योंकि पास की दीवार गिर चुकी थी, हालांकि उसको वो बता रहा है कि मैंने उनको सूचना दी, सूचना देने से कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि जब गिरशील अवस्था में दीवार ही तो किसी भी मजदूर को कार्य पर नहीं लगाना चाहिए। और सूचना देने के बाद में पड़ोसी दीवार वाला उस दीवार को गिरशील को हटा ही नहीं, तो उसकी भी गलती है। दोनों ही ये कटिंग जो भी वहाँ के मालिक है, दोनों ही वहाँ पर गुनहगार है, और मृतक परिवारों को, मृतक परिवार एवं जो घायल अवस्था परिवार है, उनको उनके संबल आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? लगभग 10-10 लाख रुपये दोनों परिवार को मिलनी चाहिए। नाम पोस्टमार्टम करवा दिया? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया सर। अभी आपकी क्या डिमांड है? जब सहायता राशि मिलेगी तभी उठाएंगे या नहीं? अब तो उठा रहे हैं, हमने एफ आई आर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मेरा नाम नंदकिशोर है, पत्नी है गीता देवी, जो बेहुंदा रिको एरिया में काम करती थी। 8 बजे सुबह निकलकर काम पर जाती थी और उसकी दीवार गिरने से डेथ हुई है। दीवार किसकी थी? सिंगल की थी। किस चीज़ का कार्य करते थे वो? बाटा विसई का कार्य, मिनरल फैक्ट्री में काम करते थे। अब फैक्ट्री मालिक का जिसकी दीवार गिरी है उसका क्या कहना है? वो तो हाथ ऊँचे कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? पैसे का काम है, आज के टाइम जिसके पास पैसा है वही आज सब कुछ है। और क्या है वो कह रहा मात्र बकरी की मोटी 50,000 रुपये दे दें इसके लिए बोला है उसने।